वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में डाटा टेबल के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा डेटा टेबल। डेटा टेबल क्या चीज है, तो थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करते हैं ताकि आपको जो यहाँ टेक्स्ट है वो प्रॉपर यहाँ पर आपको नजर आ जाए कि क्या हमारी हेडिंग्स है आज के टॉपिक की। डेटा टेबल जो है वो आपका जो फंक्शन है वो व्हाट इफ एनालिसिस का एक फंक्शन है, जिसमें हमने जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मजीद जो हम अभी वीडियोस बनाएंगे और आज जो है वो डाटा टेबल वाले फंक्शन को जो हम यूज करेंगे। तो इस फंक्शन को यूज कहाँ आपने करना है कि यहाँ आपके पास जो मेन्यू में डाटा नजर आ रहा है, यहां आप जाएंगे तो यहां देखिए आपके पास व्हाट इफ एनालिसिस फंक्शन आपको नजर आ रहा है। अब इस फंक्शन के अंदर देखिए हमने जो फंक्शन कवर किया था गोल सीक फंक्शन क्या काम करता है, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो आप सर्च कर सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूं। तो यहां देख सकते हैं आपको यहां पर गोल सीक फंक्शन की जो है वीडियो आपको नजर आ रही है। आप यहां से इस वीडियो को देखें ताकि आपको आइडिया होगा कि ये फंक्शन क्या काम करता है। इसी तरीके से आज जो इसी व्हाट इफ एनालाइज फंक्शन का जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डाटा टेबल। इस डाटा टेबल को यूज कैसे करेंगे, अब यहां पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप इस फंक्शन को यूज कैसे करेंगे। अगर ऑफिस के अंदर आप अपना कोई भी बिजनेस प्लान करते हैं या आपके पास आपकी टीम है और आप अगर टीम के लीडर हैं, आप टीम को लीड कर रहे हैं कि आपका जो है वो मजीद फ्यूचर बिजनेस प्लान क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर कैसे अपने रिकॉर्ड को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ हम अपनी जो है वो एंट्री ऐड करते हैं। एंट्री के अंदर जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा एक टारगेट होगा, उस टारगेट के बाद हमारे पास जो गिवन होगा वो हमारी होगी परसेंटेज, आपको क्या परसेंटेज दिया जा रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास ऐड होगा हमारा टोटल। अब ये तीन हेडिंग्स हमने ऐड की है, इन तीनों को हम यहाँ पर कवर करवाएंगे, बॉर्डर देंगे और इसको हम करेंगे बोल्ड और डिफरेंट कलर के साथ जो है वो यहां पर हम इसको रखेंगे हाईलाइट। अब टारगेट आपके पास मैक्सिमम, जैसे आपने टारगेट अचीव कर लिया यहां पर 55 लाख कर लें और इसके बाद आपको परसेंटेज दिया जा रहा है कि आपको 5 लाख का अगर आपने टारगेट अचीव किया तो आपकी जो परसेंटेज है वो हम यहां पर रखेंगे 8%, कुछ भी रख सकते हैं परसेंट 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20। तो फिलहाल हमने यहां पर रखा है 8%। अब टोटल कितना बन रहा है यहां पर, तो उसके लिए हम यहां पर लगाएंगे इक्वल, जो आपका अमाउंट होगा इसको हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी परसेंटेज से और एंटर कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया टोटल के 5 लाख का जो 8% है वो कितना बन रहा है यहां पर 40,000। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि हमने बिल्कुल सिंपली कैलकुलेशन की है। अब ये हमने एक अमाउंट की है, अब फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं यहां पर। अब जैसे आप देखें हम यहां पर आते हैं इस जगह पर, नीचे वाले सेल पे आया तो मैं अब यहां पर मैं कुछ परसेंटेज ऐड करता हूं। अब परसेंटेज फॉर एग्जांपल मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, मैंने यहां पर रखी 5.5%, फिर एक और मैंने ऐड कर दिया यहां पर 6.5% और फिर मैंने ऐड की यहां पर 7.5% और लास्ट वन हम ऐड कर लेते हैं 8%। तो फिलहाल हमने यहां पर जो है वो 4% के ऑप्शन रखे। फिर इसके बाद एक काम हम यहां पर क्या करेंगे, इस सेल के ऊपर जो है वो मैं अपने इस टोटल वाले सेल का लिंक दूंगा, तो मैं इक्वल लगाकर इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको मैं करता हूं एंटर। अब देखिए यहां आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, उसकी वजह यह क्योंकि मैं आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। तो एक बार अगर आप ये रिपोर्ट बना लेंगे तो आपके लिए प्लानिंग के लिए इन फ्यूचर अगर आप टीम लीड कर रहे हैं तो वहां आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम यहां पर नीचे लिखेंगे अमाउंट, अभी हमने लिखा है कि 40,000 ना जो हमारे पास सेल का लिंक आ गया। अगर आपका टारगेट यहां पर हमने लिखा था कि 5 लाख था, यानी कि जो आपको टोटल मिल रहा है, अगर आपका जो कमीशन जो है वो अगर आपका बनता है या आपकी जो टारगेटिंग अचीवमेंट होती है, अब जैसे होती है आपकी 50,000 और उसके बाद हम लिखते हैं यहां पर 80,000 और फिर हम लिखते हैं यहां पर 90,000 और लास्ट पर हम यहां पर लिख लेते हैं 1 लाख। अब यहां हमने कुछ अमाउंट ऐड कर लिए, अब हम देखते हैं कि अगर 50,000 अगर आप अचीव करते हैं
तो 50,000 के लिहाज से अगर आपकी 5.5% आपको दी जाएगी तो उसका अमाउंट कितना बन जाएगा। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी ले सकते हैं कि 6 लाख से स्टार्ट कर लें, फिर 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, क्योंकि हम तो आगे की तरफ देखेंगे। तो यहाँ इनिशियल अमाउंट रखिए ताकि आपको समझ में भी आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो डाटा टेबल को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने करना क्या, आपने ये पूरा एरिया सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और फिर आप चले जाएंगे डाटा में, और डाटा में देखें यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा व्हाट इफ एनालिसिस, इसको आप यूज करें। और यहाँ से आप आए डाटा टेबल में, और यहाँ देखें आपके पास दो ऑप्शन है, एक आपसे पूछेगा रॉ इनपुट सेल, एक आपसे पूछेगा कॉलम इनपुट सेल। तो रॉ इनपुट सेल के अंदर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो आपका टारगेट वाला सेल है इसको आपने सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद कॉलम इनपुट सेल के अंदर आपने क्या करना है, जो आपकी परसेंटेज होगी आपने इसको सेलेक्ट करना है। तो ये आपने जो है इस तरीके से आपने सेलेक्ट करना है इन दोनों सेल्स को, फिर इसके बाद आप कर देंगे ओके। तो याद रखिएगा आपका जो डाटा है वो इस तरीके से सेलेक्ट होना चाहिए। तो देखें ओके करने के साथ यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो है वो आपको मजीद फ्यूचर का जो है वो आपको प्लानिंग रिपोर्ट बना के दे दी है इस डाटा टेबल ने। आप देख सकते हैं कि 50,000 के ऊपर अगर 5% अगर आपको दिया जाता है तो आपका कितना जो है अमाउंट बनता है 2,750। अगर आप ले जाते हैं यहाँ पर कि 50,000 अगर आप अचीव करते हैं, तो यहाँ मैं सिर्फ परसेंट बढ़ा रहा हूँ, तो अगर 6.5 अगर आपको परसेंटेज दी जाती है तो कितना बन रहा है 3,250। 7.5 के ऊपर 3,700, 8,000 के ऊपर 8% के ऊपर 4,000। इस तरह अगर हमारी अमाउंट बढ़ती है कि अगर हम 80,000 का अचीव करते हैं तो आपका जो 5% के लिहाज से कितना आपको जो है वो अमाउंट दिया जाएगा 4,400। अगर हमारी परसेंटेज 6.5 रखी जाती है यहाँ पर, तो आपको जो 80,000 अगर आप टारगेट अचीव करते हैं तो कितना आपको है वो अमाउंट दिया जा रहा है 5,200। तो ये देखें पूरी प्लानिंग हो सकती है। अभी फिलहाल शॉर्ट परसेंट रखी हुई, आप बढ़ा सकते हैं और अमाउंट भी आप बढ़ा सकते हैं। अब जैसे आपने फर्स्ट मंथ ये रखा, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, तो ये आपके पास 5 मंथ का जो है रिकॉर्ड आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जो रिपोर्टिंग है सेम रख सकते हैं, यानी कि परसेंटेज अगर मैं यहाँ पर 8% कर लेता हूँ सिंपल, और इस 8% को ड्रैग करता हूँ, यानी कि मैं परसेंट अब बिल्कुल सेम रखूंगा, चेंज नहीं कर रहा। तो देखें 50,000 के ऊपर आपको 4,000 का ही आपको टोटल अमाउंट मिल रहा है। अगर आप 80,000 का टारगेट अचीव करते हैं तो 8% के लिहाज से आपको 6,400 मिल रहा है। अगर आप 90,000 अचीव करते हैं तो 7,200। अब अगर आप यहां पर डिफरेंट परसेंटेज भी रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी प्रीवियस में आपको बताया था, आप चाहे तो इनको यहां पर एक अलग सा जो है वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 80 का जो आपके पास परसेंट आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप जैसे इक्वल लगाए, आपने 80 वाले अमाउंट को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, 8% से, तो 8% से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और एंटर, तो देखिए आपके पास क्या अमाउंट आ रहा है 6,400। तो बहुत सिंपल है कि आप पूरा इस फंक्शन को यूज कीजिए, डाटा टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप अपने बिजनेस प्लान कर सकते हैं इसके अंदर इस फंक्शन को यूज करके, जिस तरह मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि आने वाली वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तब तक इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।